गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल आचार्योदित मनीष पे। और आज हम हाइड्रोस्टेटिक के लेवल 3 के क्वेश्चंस बनवाएंगे, ठीक है। पेज नंबर 4.40, क्वेश्चन नंबर 50 है ये, ठीक। और पीछे आप काइनेमेटिक्स और हाइड्रोस्टेटिक काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स का प्लेलिस्ट देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ रोटेशन पर आधारित है, लॉ ऑफ फ्लो पेशन पर आधारित है, ठीक है, लॉ रोटेशन पर आधारित है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द डेंसिटी ऑफ आइस इज 901 केजी पर मीटर क्यूब, व्हाट परसेंटेज ऑफ आइस लाइज बिलो वाटर, ठीक है। ये पहला पार्ट, डेंसिटी ऑफ सी वाटर दिया हुआ है जना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस कैन बी सीन बाय अस इफ द आइसबर्ग हैज द सेम डेंसिटी ऑफ आइस, यानी आइसबर्ग का जो डेंसिटी है वो सेम है, अच्छी से, ठीक है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉपी में लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ थोड़ा जगह की कमी के कारण, ठीक है, क्योंकि मैं यहीं पर बनाऊंगा इसको, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि ये जो गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा बताता हूँ कि क्या करूंगा। ये जो वाटर है, ठीक है, ये वाटर है और आइसबर्ग कुछ ऐसा मान लीजिए होगा, ठीक है, आइसबर्ग, ठीक है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, सरफेस, वाटर सरफेस से ऊपर है, और जो ये वाला पार्ट है ये वाटर सरफेस के नीचे है। तो वही पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस कैन बी सीन बाय अस, और पहला में पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ आइस, कितना परसेंटेज ऑफ आइस वाटर के बिलो लाइक करता है। तो इसमें क्या करूंगा, लॉ ऑफ रोटेशन लगा दूंगा। ये जो एमजी है, क्या है, एमजी, ठीक है, और ऊपर बायंसी लग रहा होगा, बायंसी, तो एमजी बराबर क्या कर दूंगा गाइस, यही कंसेप्ट है पूरा इस क्वेश्चन में, एमजी बराबर क्या कर दूंगा, बायंसी कर दूंगा, ये समझ में आ रहा है। तो एमजी कितना हो जाएगा, मास ऑफ आइस लिखूंगा, पहले पहला पार्ट पहले कर रहा हूं, ठीक है, ये पहला पार्ट है। तो मास ऑफ आइस कितना लिख दूंगा, तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ आइस इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू जी, ये हो गया एमजी इज इक्वल टू। अब बायंसी को क्या लिखूंगा, बायंसी को गाइस बता दो, यही कर रहा हूं, ठीक है, बायंसी को क्या लिखूंगा, बायंसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज इन वाटर या लिक्विड, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ आइस दैट इज सबमर्ज इन वाटर, ये पूरा वॉल्यूम नहीं है, वह वॉल्यूम है आइस का जो पानी के अंदर है, देख रहे हो, जो पानी के अंदर है, ठीक है गाइस, जो पानी के अंदर है ये, और यहाँ पर क्या लिखा है, वह वॉल्यूम जो पूरा है, क्योंकि मास लिखे हो ना, टोटल मास लिखे हो तो टोटल वॉल्यूम लिखोगे ना, लेकिन बायंसी में टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस नहीं लिखेंगे, सिर्फ वही वॉल्यूम लिखेंगे जो पानी के अंदर है, इनटू वॉल्यूम इनटू, अब यहां से थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, होता है ना बायंसी बराबर वीडीजी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी दैट इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ लिक्विड कौन है, वाटर है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी कर देंगे, समझ में आ रहा है, यही है बस, समझ में आ रहा है इसको। अब मैं इसको यहाँ मिटाता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा। अब गाइस देखो, यहाँ जी से जी कैंसिल हो गया, क्या बचा, डेंसिटी, डेंसिटी थोड़ा सा ये अति होगा, डेंसिटी ऑफ आइस, ठीक है, इनटू इनटू वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस बराबर वॉल्यूम ऑफ आइस दैट इज सबमर्ज्ड इन वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, आ गया, ठीक है। अब हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में, कि आप वह पार्ट बताइए, कौन सा पार्ट, व्हाट परसेंट ऑफ आइस लाइज बिलो वाटर, तो यहां से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइस इन वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है, यही हुआ ना, इसको यहाँ लेके आया और इसको यहाँ लेके आया, ठीक है गाइस। तो अब देखते हैं कि अब एक चीज देखिए, ये वॉल्यूम ऑफ आइस वो है जो वाटर में सबमर्ज्ड है, बट अब टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस यही है ना, ये टोटल वॉल्यूम है, तो यही तो फ्रैक्शन हुआ जो पानी के अंदर है, ठीक है, अब परसेंटेज यही पूछ रहा है ना, व्हाट परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, इतना सा छोटा लिख रहा हूं मैं, 100 से दोनों तरफ, तो क्या ये वो परसेंटेज नहीं है आइस का जो पानी के अंदर है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आइस इन वाटर अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस है, तो बस,
तो ये हो गया परसेंटेज 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 ऑफ आइस दैट इज बिलो बिलो वाटर वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. कितना दिया हुआ डेंसिटी ऑफ आइस 901 केजी पर मीटर क्यूब अपॉन वाटर का 100101 इंटू 100. ठीक है गाइस, तो इसको कैंसिल करोगे तो 0.89 आएगा यहाँ पर 0.89. तो कितना होगा 0.89 इंटू 100 इज इक्वल टू 89%. ये पहले पार्ट का आंसर है. क्या है ये 89% ये आंसर है. तो आइस का 89% भाग जो है वो पानी के अंदर रहेगा. ठीक है गाइस, आइस का जो 89% भाग है वो पानी के अंदर रहेगा. या फिर इसको ऐसे कर सकते हो 0.89 जो फ्रैक्शन है वो पानी के अंदर रहेगा. कुछ ऐसा जैसे ये पानी है तो ये आइस है तो बस इसका बहुत बड़ा भाग पानी के अंदर रहेगा और केवल 0.11 जो फ्रैक्शन है वो पानी के ऊपर रहेगा. ये जो फ्रैक्शन है जो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ ना ये केवल पानी के ऊपर है और बाकी जो ऐसे कर रहा हूँ मैं ये पानी के नीचे है. आइस ये आइस है. ठीक है आइस है समझ में आ रहा है. बाकी नीचे 0.89% ये नीचे है. सो गाइस अब इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे आते हैं. क्या दूसरा पार्ट था कि बताना था कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग आइसबर्ग का वो फ्रैक्शन बताओ जो हमें आंखों से दिखेगा. ठीक है आइसबर्ग है और उसका डेंसिटी यही आइस के बराबर ही कहा है लेने को. आप पीछे देखोगे क्वेश्चन को तो यही होगा. तो अब जो फ्रैक्शन है गाइस व्हाट फ्रैक्शन तो मैंने पहले ही कहा था कि 89% यानी 0.89 जो फ्रैक्शन है वो पानी के अंदर है 0.11 ही ना पानी के ऊपर है. तो हमारा आंसर आ गया 0.11. ये फ्रैक्शन हमें पानी के एबव वाटर होगा तो यही फ्रैक्शन हमें दिखेगा एबव वाटर है. ये फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग विच कैन बी सीन फ्रॉम आइस. क्योंकि 0.89 जो फ्रैक्शन है वो पानी के अंदर है. अभी बताया था कहां से निकाला था लॉ ऑफ रोटेशन से. अभी बताया था ना mg = v करके और ये आया था. सो ये हो गया हमारा.